अंतरात्मा यानी अपने भीतर से आने वाली वो आवाज जो कहते हैं कि सही और गलत का फर्क बताती है, सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है, हिम्मत देती है। लेकिन राजनीति में अंतरात्मा तभी बोलती है जब कहते हैं कि चुनाव नजदीक हो। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है। तो आज पहली दस्तक देखकर आपको पूछना है, क्या सियासी हवा का रुख देखकर अंतरात्मा को जगाया जाता है, अंतरात्मा की सुनी जाती है? दूसरी दस्तक देखकर आपको जानना है, अंतरात्मा के नाम पर ही बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले नीतीश कुमार के बिहार में क्या कोरोना जांच की आड़ में भयानक घपलेबाजी हो रही है? और तीसरी दस्तक राम के नाम पर। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की राजनीति और दिल्ली में जागी अंतरात्मा की। आज दोपहर 3 बजे राज्यसभा का सत्र 8 मार्च तक के लिए स्थगित होना था। उससे 1.5 घंटे पहले ममता बनर्जी के सांसद दिनेश त्रिवेदी सदन में खड़े हो गए, बोले सर मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है। और इसके बाद ममता बनर्जी के करीबी रहे दिनेश त्रिवेदी ने अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कहते हुए राज्यसभा से दे दिया अपना इस्तीफा। हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने में बंगाल वाले त्रिवेदी भी नहीं बचे। शुभेंदु अधिकारी से पश्चिम बंगाल में अंतरात्मा को सुनने का जो सिलसिला टीएमसी के दर्जन भर विधायक और सांसदों ने शुरू किया, वो अब राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी तक पहुँच गया। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है। और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए। दिनेश त्रिवेदी की अंतरात्मा जागने के 2 कारण आए। पहला, पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा पर दुख होना, और दूसरा, पार्टी में पूछ पहुंच और पहचान का पतन होना। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा से दिनेश त्रिवेदी ने अंतरात्मा के जागने पर प्रकाश डालते हुए बताया, कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं? तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था। खाली आप पार्टी की वहाँ रहते हो तो पार्टी की एक डिसिप्लिन माननी पड़ती है और कुछ कह नहीं सकते। हम बैठे बैठे बंधुआ मजदूर की तरह देख नहीं सकते, इतना वायलेंस हो रहा है लोकतंत्र में, हम कहाँ किससे बात करें? आम आदमी की जिंदगी में तो बिरले ही मिलेंगे जो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लिए बिना अपना इस्तीफा दे दे, तो दिनेश त्रिवेदी के पास भी क्या सियासत का ऑफर लेटर पहले से है? वो अगर बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। तो पहले उनसे चर्चा जरूर हुई थी, पर वो बहुत दुखी थे और वो पार्टी छोड़ना चाहते थे। दिनेश त्रिवेदी जैसा लीडर बैसाखी पे चलते, पहले उनका बैसाखी थे टीएमसी, अभी वो बैसाखी बनाएगा बीजेपी को, इससे अलावा और कुछ नहीं। उनका जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। मोदी जी के साथ उनका करीबी दोस्ती है क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, गुजरात से। गुजरात से आप जो है राज्यसभा में आएंगे, वहां पे सीट खाली है और बीजेपी आपको देखिए, यदि हम इस प्रकार से लेन देन की बात करें ना, तो मैं अपने नजर में खुद छोटा हो जाऊंगा। 1980 में कांग्रेस से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले त्रिवेदी जनता दल से होते हुए 1998 में तृणमूल कांग्रेस के पहले महासचिव बने, अब 2021 में टीएमसी का साथ छोड़ा। चुनावी मौसम में पत्ता भी इधर से उधर हो जाए तो समीकरण बनने बिगाड़ने के खांचे फिट करने वाले पॉलिटिकल पंडित दिनेश त्रिवेदी की अंतरात्मा जागने को भी पश्चिम बंगाल में ममता के लिए बड़ा झटका बताते हैं। बस टीएमसी डैमेज कंट्रोल में कह रही है, भले मार दिए, हम तो रोवां से ही थे।
झटका एकदम नहीं है, तो ग्रास रूट के नहीं थे, लोकसभा हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उसको राज्यसभा में भेजी थी, झटका नहीं है। तृणमूल मतलब ग्रास रूट, वो अगर रिजाइन करते हैं यह हमें मौका देगा और एक ग्रास रूट के वर्कर को राज्यसभा भेजने को। अब आप सोचिए, एक तरफ चाल चरित्र चेहरे की पार्टी, दूसरी तरफ माँ माटी मानुष की पार्टी, विचारधारा को सर्वोपरि बताने वाले दलों की हालत ये कि जिनके नेता बिखर रहे हैं वो कहते हैं अरे वो तो ऐसे ही थे, और जो विरोध करते थे वो गले लगाने को तैयार है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भी आपके यहाँ के साफ हो जाते हैं? कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद कहते थे कि ये देखिए भ्रष्टाचार की मूर्तियां हैं? भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता तो उस वक्त भी चले जाते हैं, हमारे यहाँ आकर बचे ऐसा नहीं है। बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया, ये चुनाव का टाइम में होता है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है, हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। सच्चाई यही है सियासत की, उधार के नेता चुनावी हवा कैश करा के देते हैं। तो दिनेश त्रिवेदी की अंतरात्मा पहले भी जाग सकती थी, जब रेल मंत्री रहते किराया बढ़ाने पर ममता बनर्जी ने मंत्रालय छिनवा दिया था, और लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सीट पाने में घुटन क्यों नहीं महसूस हुई? क्या अंतरात्मा इलेक्शन के इंतजार में थी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, पार्टी विचारधारा से लड़ती है, यही हमेशा हमारे देश के सभी नेता कहते हैं। लेकिन चुनाव आने पर कैसे अंतरात्मा जागती है और वो अंतरात्मा दल बदलने के लिए प्रोत्साहित कर देती है, इसकी एक रिसर्च आपके लिए हमने पता की है। लोक नीति सीएसडीएस की रिसर्च के मुताबिक 2017 से 2020 तक पद पर रहते हुए 168 सांसद विधायकों ने दल बदला है। दल बदल करने वालों में 82% यानी 138 सांसद विधायकों ने पार्टी बदली तो सीधे बीजेपी को चुना है। बीजेपी में जाने वालों में सबसे ज्यादा 57% नेता कांग्रेस के रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि चुनाव आते ही सबसे ज्यादा दल बदल नेता करते हैं? इसका सबूत यह है कि 2019 में जब देश में चुनावी साल था तब सबसे ज्यादा 78 सांसद विधायकों ने पाला बदला। अंतरात्मा ही जागी थी वैसे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उन्होंने लालू प्रसाद से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। उसे बिहार से आई खबर चौंकाती है, जिस बिहार में एक पूरी पीढ़ी चारा घोटाले के बारे में पढ़ती हुई बड़ी हुई है। वो चारा घोटाला जिसमें 100-100 क्विंटल चारा ढोने वाली गाड़ियां बाद में स्कूटर निकली थी, उसे बिहार में कोरोना की सरकारी जांच में फर्जी नाम और मोबाइल नंबर सामने आया है। मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। कोरोना की जांच बिहार में रिकॉर्ड स्तर पर किए जाने के जिन आंकड़ों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्व करते हैं, आरोप है उस गर्व को कराने के लिए कुछ लोगों ने गोलमाल किया। ऐसा गोलमाल कि दावा है मोबाइल नंबर 00000000 वाले 12 लोगों की कोरोना जांच की गई। 88, 77, 290, 490। आरोप सिर्फ इतना नहीं, बैजू रजक का मोबाइल नंबर लिखकर 26 लोगों का टेस्ट कर लिया गया, जबकि बैजू का खुद कभी टेस्ट नहीं हुआ। कोरोना वगैरह का जांच कभी करवाया? कभी नहीं कराया। स्वास्थ्य कर्मचारी धर्मेंद्र का मोबाइल नंबर लिखकर 14 लोगों की कोरोना टेस्टिंग एक सेंटर पर दिखा दी गई। मिथिलेश राम कभी स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं गए, सरकारी डेटा कहता है इनकी भी कोरोना जांच कर दी गई। 16 जनवरी को आपने क्या कोरोना की जांच करवाई थी पीएचसी जाकर? नहीं सर। और किशोरी यादव तो ईट भट्टे पर मजदूरी करते रहे, आरोप है सरकारी फाइल में इनका नाम मोबाइल नंबर लिखकर कोरोना जांच का पेट आंकड़ों से भर दिया गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटकर कहते हैं, मेरे पास तो प्रतिदिन शाम कहां कितना जांच हुआ, किस जिले की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग ठीक हो गए हैं, एक एक डिटेल हमारा तो शुरू से।
तो क्या बिहार में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कोरोना जांच रोज कराने का दावा करके मुख्यमंत्री तक को अंधेरे में रखने का काम कुछ लोगों ने किया? इसलिए सच की तह तक पहुंचाने वाली दस्तक देने आज तक संवाददाता रोहित सिंह पटना से 180 किलोमीटर दूर जमुई में सिकंदरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं। बिहार में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है और जो दस्तावेज आज तक के हाथ लगे हैं उसके मुताबिक जमुई जिले के दो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जो है ये गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कैसी, इसे समझने के लिए आप संवाददाता रोहित सिंह के हाथ लगी उस लिस्ट को देखकर जानिए जिसमें सरकारी केंद्र पर कोरोना की जांच करने वालों के मोबाइल नंबर भी लिखे गए, और इसे ध्यान से सुनिएगा। 9110188477 ये संजू यादव नाम के कोई व्यक्ति है 30 साल के, उनके साथ ये नंबर है। ये संजू यादव आप नहीं है नहीं, लेकिन नंबर आपका है जी। 16 तारीख को जांच हुई है जी। ये आप ही का नंबर है जी। यहाँ एक महिला है 60 साल की लक्षिया देवी जी। उसके सामने भी आप ही का नंबर है। निशा कुमारी 8 साल की बच्ची है, इसके सामने भी आप ही का नंबर है जी जी जी। ऐसा हम जान के सर क्यों करेंगे। मीना देवी 50 साल की महिला है, इसके सामने भी आप ही का नंबर है। ये देखिए यहाँ पर किरण कुमारी 4 साल की कोई बच्ची है, इनके सामने भी आप ही का नंबर है। 4 साल की बच्ची से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक की कोरोना वाली सरकारी जांच के पीछे जिसका नंबर लिखा गया, संवाददाता रोहित सिंह ने उसे खोजा। ये धर्मेंद्र का नंबर है जो जमुई के सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही कर्मचारी है। 9110188474 ये नंबर किसका है? मेरा ही सर। आपका नंबर है जी। तो ये नंबर इस लिस्ट में हम देखें तो 12-13 बार रिपीट किया गया है। ये 12-13 बार आप ही का नंबर अलग अलग लोगों के नाम के सामने कैसे आया? ये तो हमको भी नहीं पता है सर, वो डाटा पेपर देता था। आरोप है ऐसे कई पन्नों में कई फर्जी मोबाइल नंबर लिखकर पटना तक मुख्यमंत्री को बता दिया जाता था कि कोरोना टेस्टिंग रोज हजारों में हो रही है। कौन करवाया है ये? चलिए सर, कौन करवाया हमको बताइए। हमने किसी को बोले सर? नहीं तो किसने किया ये गड़बड़ी, किसने किया तो ये हमको बताइए जरा। ना हम किसी को बोले ना हम लिख के दिए सर किसी को। रोहित सिंह स्वास्थ्य केंद्र के भीतर डेटा ऑपरेटर अविनाश कुमार तक पहुँचे, पूछा तुमने एक ही मोबाइल नंबर डालकर 14 लोगों की जांच कैसे दिखा दी? अब यहां दो शंकाएं जन्म लेती हैं। क्या जिनके पास मोबाइल नहीं उनके लिए सिस्टम में एंट्री के नाम पर किसी का भी मोबाइल नंबर डाला गया, या फिर फर्जी मोबाइल नंबर के साथ फर्जी नाम लिखकर कोरोना जांच के आंकड़ों में गोलमाल किया गया? जिसमें नंबर नहीं रहता था तो बोलता था कि अपना नंबर डाल दो। कौन बोलता था? यही बोलते थे, यही लोग का टीम से बोलता था। हमने कभी नहीं बोला, बोला है आपको? ठीक है, तो आप लोगों का टीम से ही बोला जाता था कि डाल दीजिए, तो हम डाल दिए जाते थे। दूसरी शंका को बल ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि संवाददाता रोहित सिंह ने जमुई में ही मिथिलेश राम नाम के उस शख्स को खोजा जो कभी जांच कराने किसी सेंटर पर नहीं गया, लेकिन इनका नाम सरकारी कागज में मोबाइल नंबर लिखकर आंकड़े भरने के लिए तौल दिया गया। ये नाम आप ही का है मिथिलेश राम? हाँ जी। हाँ जी, मिथिलेश राम है। हाँ जी। ये मोबाइल नंबर जो है 7070446739 अभी का है? हाँ सर। 16 जनवरी को आपने क्या कोरोना की जांच करवाई थी पीएचसी जाकर? नहीं सर। तो फिर ये नाम आपका कैसे यहाँ पर दिख रहा है कि जांच हो गई है? मुझे पता नहीं सर, ये नाम कहाँ से आया और मोबाइल नंबर कहाँ से लिया गया है मुझे पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं सर, कोई ऐसा मेरे पास नहीं आया है। आपने कभी कोरोना की जांच नहीं करवाई? नहीं सर। कोई मैसेज आया, क्योंकि अगर जब नाम यहाँ पर आया है मैं तो कोई मैसेज कभी आया था क्या कि कोरोना को लेकर ऐसा कोई मैसेज? नहीं, मेरे पास नहीं आया सर। कि आपने जांच करवाई है नहीं करवाई है कुछ भी? नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर कोई नहीं? नहीं आया सर। इसी तरह जमुई के सिकंदरा स्वास्थ्य केंद्र पर किशोरी यादव की कोरोना टेस्टिंग कराने का नाम मोबाइल नंबर दर्ज है, लेकिन आज तक की तफ्तीश में इसका सच किशोरी से सुन लीजिए। ये जो आप देख सकते हैं ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है किशोरी यादव, इस पे मोबाइल नंबर है 8292450622। किशोरी जी, क्या ये मोबाइल नंबर आप ही का है? हाँ, हमारा नंबर है। ठीक है, इसी नंबर पे आपसे बात भी हुई थी। हाँ। कोरोना की जांच करवाई है कभी आपने? नहीं सर, कोई नहीं करवाया। अभी नहीं करवाया? नहीं, हमको कभी दिक्कत ही नहीं हुआ, हम क्या करवाएंगे।
हद तो तब हो गई जब पता चलता है कि जिस मोबाइल नंबर के साथ 26 लोगों की कोरोना जांच दिखाई गई, उस मोबाइल नंबर के धारक बैजू रजक बांका में रहते हैं, कभी जमुई गए तक नहीं। हम जमुई देखते नहीं, देख ले न। अच्छा, तभी न। जमुई में कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदारी न है। किसी को नंबर वगैरह दिए हैं? नहीं सर, हम तो किसी को नंबर नहीं दिए। कोरोना वगैरह का जांच कभी करवाए हैं? कभी नहीं कराए। इसीलिए पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना टेस्टिंग के गड़बड़ झाले के आरोपों पर कहना पड़ा है। उनको बताया कि 22 जिला का देख चुके हैं, एक जगह कहीं कोई देखा गया है, उसके बारे में तत्काल हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिहार में 9 फरवरी तक के आंकड़े कहते हैं 2,16,64,852 लोगों की कोरोना जांच सरकारी केंद्र पर की गई। अब जांच जमीनी स्तर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जमुई की तरह ही सरकारी पन्ने फर्जी मोबाइल नंबर और जांच कराने वालों से भरे मिले तो सरकार जिन आंकड़ों पर गदगद है वही भ्रष्टाचार के दलदल की वजह बन सकते हैं। जमुई से रोहित सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना के नाम पर जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, आपने इस रिपोर्ट में देखा कि अब किस तरह से लगातार सवालों के घेरे में वही सरकार वही सिस्टम है। आगे बढ़ते हुए, राम के नाम पर देश की राजधानी में विवाद और राजनीति हो रही है। बुधवार को दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक नौजवान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। परिवार कहता है कि बेटा मोहल्ले में जय श्री राम का नारा लगाता था, इसीलिए उसे मार दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस इससे इत्तफाक नहीं रखती और इसे नारे से जुड़े विवाद में हत्या नहीं मानती। सोशल मीडिया की सबसे चर्चित खबर जिसके केंद्र में एक चेहरा है, ये रिंकू शर्मा है, जिन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ट्विटर पर दिन भर मुहिम चलती रही। दिल्ली के मंगोलपुरी के रहने वाले रिंकू शर्मा पर उन्हीं के घर पर हमला होता है और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। रिंकू की हत्या क्यों हुई, इसे लेकर परिवार और पुलिस का मतभेद राजधानी को सांप्रदायिक तनाव की डरावनी दस्तक से डरा रहा है। रिंकू शर्मा का परिवार कहता है कि उनके बेटे को जय श्री राम कहने पर मार डाला गया, जबकि दिल्ली पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। सर, जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको, बस। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। रिंकू की मौत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है, जिसकी आड़ में राम के नाम पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्योंकि रिंकू शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य थे और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जुटे थे। परिवार दावा करता है कि रिंकू की राम भक्ति आरोपियों को खटकती थी, जो आखिरकार उनकी मौत की वजह बनी। छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी, तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियां दी थी। नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहता और जाहिद समेत 5 लोगों पर आरोप, जिन्होंने लाठी डंडे और चाकू से लैस होकर रिंकू के घर पर धावा बोला, उनके परिवार से मारपीट की और आखिरकार उनकी हत्या कर दी। वो 30-40 जन, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती, मेरे को रोने में लग रही, माँ रोना ही था, छोटे बच्चे को भी मेरे से फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा, वो तो चारों को मारने आए थे हमारे। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए, 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। बुधवार रात यहीं पर रिंकू के भाई मन्नू का कहना है कि अचानक से उनका भाई दौड़ता हुआ आया, ये घर है रिंकू का, वो घर के अंदर पहुंचा और उसने मन्नू से कहा कि दरवाजा बंद कर लो, कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि मन्नू समझ पाता, दरवाजा बंद कर पाता, यहाँ पर 4 लोग पहुंचते हैं, वो बाहर खींचते हैं, यहाँ पर मारपीट होती है, झड़प होती है, उसके बाद रिंकू की यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन परिवार के उलट दिल्ली पुलिस इसे सांप्रदायिक हत्या नहीं मानती। उसके मुताबिक आरोपी और रिंकू एक दूसरे को जानते थे, एक बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ और घर लौटते वक्त रिंकू की हत्या कर दी गई।
देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने सब झूठा बोला है कि यह बिजनेस की कोई वो थी, कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे, इस चक्कर में इन्होंने भैया को। पुलिस के साफ इनकार के बावजूद ये वारदात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस की सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से कि ऐसी घटना चाहे जिस भी धर्म के लोगों के साथ हो, एक समान व्यवहार होना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। परिवार और जो बाहर के लोग बातें फैला रहे हैं उनमें बहुत ही ज्यादा विरोधाभास लग रहा है। पुलिस से जिस तरीके से बात हुई है ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी लोग रूमर फैला रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए और एक ही मांग है, सिर्फ एक ही मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राम के नाम पर राजनीति देश में बरसों से हो रही है। कोई भी चुनाव, हर दल अपने हिसाब से धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा है, बस जगह और चेहरे बदल जाते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आज की दस्तक यही है कि दिल्ली पुलिस अगर इसे आपसी विवाद का मसला बताती है तो राम का नाम लेकर राजनीति करने वालों पर रोक लगे, और अगर धर्म के नाम पर यह विवाद हत्या तक पहुंचा है तो राजनीतिक दल सोचे कि समाज के यूं बटने की नौबत आखिर क्यों आई। सबसे जरूरी दस्तक, आरोपियों के खिलाफ तय समय में जांच हो, सजा दिलाई जाए। राम के नाम पर सियासत पश्चिम बंगाल में भी हो रही है।